अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से सुबह का वक्त है और मैं ऊपर आया हूँ अपने मिनी जू में, और माशाल्लाह से मैंने अपने सारे बर्ड्स को देखा, सारे बर्ड्स बिल्कुल ठीक है। और जो मैंने कल आपको अंडा दिखाया था ना, वो मैंने इनके नीचे रख दिया था घोंसला बना के, लेकिन ये अंडा ना इनका नहीं है, ये अंडा ना इसका लगा है मुझे। ये यहाँ पर बैठी हुई ना कबूतर, मुझे लग रहा है इसके आई। मैं एक बार इसको उठाता हूँ, देखता हूँ कोई अंडा तो नहीं दिया। नहीं, एक कोई नहीं दिया हुआ, लेकिन अंडा देने वाली है पक्की बात है। ये अभी कुछ देर तक अंडा दे देगी लाजमी। और मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना इनका बच्चे को उठा के बाहर रख देता हूँ, और ये वाला अंडा ना इधर अंदर रख देता हूँ। अभी से मार रहे तो खुरनाट है, शायद मैंने वो उठा लिया बच्चा और अंडे को उठा के यहाँ पे रख दिए। बस अब ये ठीक है, अब वो अंदर कबूतरी आ गए ना, खुद ही अंडा दे देगी इधर। और इनका जो अंडा है ना, ये ख़राब है, ये वाला अंडा ख़राब है। चलो कोई मसला नहीं है, अकू का कबूतरी भी ना इसके ऊपर से उड़ गई, इसलिए मैंने भी हटा दिया पहले दिखा दिया। और इनका देखते हैं, इन्होंने क्या होता है, दूसरा अंडा दे दियो, ये तो देना चाहिए इसे, वैसे अभी तक नहीं दिया। वैसे मुझे नहीं दिख रहा दूसरा अंडा, एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है अभी, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अभी एक ही है, खैर ये दूसरा अंडा भी दे देगी उम्मीद है। चलो इंक्यूबेटर कर दिया ना, कम से कम बैठी हुई तो है, उनकी तरह लाया तो नहीं कर दी। जैसे ये दूसरा अंडा देगी ना, आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी मैं इन सबको बाकी मैं दाना डाल देता हूँ। और ये देखें इनकी हरकतें देखें, यहाँ कोने में घोंसला बना रही हैं। अपने घर से सारा सामान ला के यहाँ घोंसला बना रही है, नहीं कि वहाँ मैंने घोंसला बनाया तो वहीं पे करना। खैर कोई बात नहीं, उस कबूतरी को पकड़ कर मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये इधर नीचे अंदर ना जाए। खैर इसे थोड़ी देर में पकड़ कर ना बंद कर देता हूँ ताकि ये ना ठीक रहे। और ये देखें, एक नीचे फिर रहा है, एक वो ऊपर फिर रही है, दोनों को ही नहीं पता कहाँ पे। और हमारा जो टर्की बर्ड है ना, वो काफ़ी सुस्त हुआ है, उसको भी मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो माशाल्लाह से ये अंडा गल था ना वहाँ पे नीचे, तो वो उठा के वहाँ पे रख दिया था, मुझे पता नहीं था किसके, लेकिन फिर ना मैंने अभी इनके बच्चे को वहाँ से उठा कर रख दिया नीचे, और ना अंदर रख दिया अंडा। तो मुझे शक था कि इन्हीं का अंडा है, पहले मुझे लग रहा था इन फैंसी लगे का, जब इस फैंसी लगे का नहीं है, तो मैंने उसी उधर ना अंडा दोबारा से रख दिया उठा के। तो ये जो अंडा है ना इन्हीं का, क्योंकि ये कबूतरी देखे बैठ रही है उसके ऊपर, कोशिश कर रही है उसके ऊपर बैठने की ना। तो और ये दूसरा अंडा भी दे देगी अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, तो कंफर्म हो जाएगा कि इसी का अंडा है। और जो हमारी फैंसी लग गया है ना, ये वहाँ से अपने घर से घोंसला उठा रहे हैं और इधर कोने में ला के बना रहे हैं, इनकी हरकतें देखें। हालांकि वहाँ मना है इनके वहीं पर एडजस्ट हो जाए, नहीं है ऐसा नहीं कर रहे। बाकी मैंने सारे बर्ड्स को अपने दाना वगैरह डाल दिए, सबके बाद दाना पानी सब कुछ है माशाल्लाह से ना। और ये अभी कबूतर इसको इंक्यूबेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे इनका शुक्र है, एक और बच्चा भी निकल आएगा, एक और अंडा दे देगी, फिर दो इंशाल्लाह इस बार निकलेंगे। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि इन एहतियात करूँ, इनको अंडा ख़राब वगैरह ना हो। और जो हमारी पीछे वाली उधर कबूतरी है ना, तो रात का वक्त है, जैसे मैं ऊपर आया हूँ ना, जगह सारे बर्ड ना आपस में घुस के बैठे हुए हैं, क्योंकि ना बाहर अभी आंधी तूफान वगैरह है और अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है। खैर इधर से दिखेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। और जो हमारे टर्की बर्ड का बच्चा है, ये काफ़ी सुस्त है अभी, और इसकी ना हालत ज़रा ख़राब है, तो इसके लिए भी मैं मेडिसिन ले आया हूँ, तो वो भी मैं इसे देता हूँ इंशाल्लाह ताकि ठीक हो जल्द से जल्द। और ये देखें हमारे जो डफ के बच्चे हैं ना माशाल्लाह से, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी जा रही है और ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। और हमारे
हाँ इनके पास दाना नहीं है क्योंकि ना मैं सुबह के बाद अब आया हूँ, मुझे टाइम मिल नहीं सका, तो बस अब इन सबको मैं दाना पानी देता हूँ, सबका दाना पानी एक एक करके सबको दाना पानी डालता हूँ ताकि ना ये लोग खाएं पिएं। और ओह इनका दोस्तों मुझे लग रहा है बच्चा निकल आया, ये देखें अंडा टूटा हुआ है माशाल्लाह से। दोस्तों मैंने अभी तक खुद भी नहीं देखा खैर, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि इनका बच्चा भी निकल आया, मैं देख लूँ क्योंकि मुझे ना अंडा टूटा हुआ नज़र आया है, देख लेते हैं। हाँ ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों इनका बच्चा और नीचे नीचे आया माशाल्लाह। अभी हटेंगे ना मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं खुद भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चलें एक और गुड न्यूज़ मिल गई आते के साथ कि इनका बच्चा भी सही सलामत निकला है। और इनका अंडा बच्चा जो है ना बड़ा जल्दी निकला है, मैंने ना इनका बच्चा अंडा जो था उसको चेक भी नहीं किया कि भाई ये अंडा बन रहा बच्चा बन रहा नहीं बन रहा, क्योंकि सही से इंक्यूबेट कर रहे थे। और जो हमारी ये वाली कबूतरी है ये देखिए इसने तो अपना अंडा ही ख़राब कर लिया, पहले एक बच्चा निकला था अब फिर से एक बच्चा निकलेगा इनका, उनका अंडा टूट गया। चले कोई नहीं अब मैं हटाता हूँ, ऊपर लकड़ी है ना इससे कूद के तरीके के होंगे इससे इनका टूट गया होगा। चलो मैं देखता हूँ इंशाल्लाह फिर बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों आपको याद होगा हमारी जो ये वाली कबूतरी है ना इसने अंडा दिया हुआ था, और ये देखें वहाँ से ना ये मैंने उनके घर में रखा था ये सारा, इन्होंने उठा के ना सारा यहाँ पे लिया है। और अब मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे घोंसला बना रहे हैं, खैर अभी उसने दूसरा अंडा दिया नहीं दिया पता नहीं मुझे, देख लेते हैं अभी नहीं, अभी तक इसने एक ही अंडा दिया हुआ दूसरा अंडा नहीं दिया, या फिर टूटा है अंडा इनका था या नहीं था ये भी मुझे नहीं पता, बस ये घोंसला बना रहे हैं यहाँ पे। चले कोई अच्छी बात है कि इन्होंने घोंसला खुद ही बना लिया, मैंने नहीं बनाया इनका, उम्मीद है एक से दो दिन में ना खुद ही दूसरा अंडा भी दे देगी, वैसे इसे आज अंडा दे देना चाहिए था दूसरा जो कि इसने नहीं दिया। चले कोई मसला नहीं है। और ये हमारा जो ये वाला पेयर है ना इसका पता नहीं क्या सीन है आप इसकी हरकत है, देखें चौड़ा होकर लेटा होता है बड़े, और ये भी हमारे बड़े सुस्त हुए हैं, क्या इतना सुस्त नहीं है ठीक है, बस मैं इन सबको दाना पानी डाल दूँ रात को फिर आप सबको दिखाता हूँ इंशाल्लाह।